दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बासफ के लिहोसिन के बारे में, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है। फसलों में कौन सी अवस्था में इसको यूज करना चाहिए और कौन सी अवस्था में यूज नहीं करना चाहिए, साथ ही विशेष सावधानियां क्या है, परफेक्ट डोज क्या है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। बासफ का लियोसिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये आता है। और अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आता है क्लोरमेक्वेट क्लोराइड 50% SL फॉर्म में ये आता है। अब अगर इसके बेनिफिट की बात करें या फिर इसके वर्क की बात करें, इसका क्या काम फसलों में होता है, तो दोस्तों फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को ये बढ़ाता है। यानी कि फसल की जब भड़वार ज़्यादा हो रही होती है, फ्लोरिंग स्टेज में भी भड़वार ज़्यादा हो रही होती है, तो या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है तो फल फूल कम आते हैं, तो उस वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करके, भड़वार को कंट्रोल करके उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फल फूल में ये कन्वर्ट करता है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। अब दोस्तों की फसलों की कौन सी अवस्था में यूज करना चाहिए और कौन सी अवस्था में यूज नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है। फसलों की जब फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए तब आप इसको यूज कर ले, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ को नॉर्मल करके फ्लावर्स ज्यादा आएंगे, फल फूल ज्यादा आएंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग स्टेज हो किसी भी फसल की, जब भड़वार हो रही हो, तब आप इसका यूज ना करें, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जब फल बनने की अवस्था हो, फ्रूटिंग स्टेज हो, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एक फसल में आप मिनिमम एक बार, और नहीं तो आप दो बार भी यूज कर सकते हैं, फ्लोरिंग स्टेज और फ्रूटिंग स्टेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। कंदवर्गीय फसलों में दोस्तों अगर आपको यूज करना है तो आप जैसे ही कंद की साइज बनने लगे उस टाइम आप यूज कर लें। जैसे प्याज की फसल में क्या होता है कि पत्ते की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, तो फिर उस टाइम क्या होता है, कंद की साइज नहीं बन पाती है, तो कंद की साइज अच्छी बढ़ाने के लिए और पत्तों की ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए आपको इसका यूज करना चाहिए। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रिप से भी चला सकते हैं, यानी रूट में भी आप दे सकते हैं। फसलों की बात करें कि इसको कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते हैं, सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें जैसे प्याज है, मिर्च, बैंगन, भिंडी, टमाटर, साथ ही आलू, लहसुन, सभी में इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही बागवानी में भी, ग्रेप्स में, पपीता है, और भी जैसे अनार वगैरह हैं, सभी में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी फसल में या किसी भी पौधे में आपने फ्लोरिंग स्टेज से पहले नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दिया है, तो उसके असर को कम करने के लिए, ज्यादा फल फूल लाने के लिए इसका आपको यूज करना चाहिए। और इसकी परफेक्ट डोज की बात करें तो इसकी परफेक्ट डोज है 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप घोल तैयार करके, चाहे आप स्प्रे करें या फिर आप ड्रिप से चलाएं, रूट में भी आप दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो सभी के साथ में आप मिक्स करके यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर केमिकल के साथ में आप मिक्स करके यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक जरूर करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।